एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी जी के हब हिमाचल नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एचपीपीएससी एचपीआर से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें या फिर आप जेबीटी टीजीटी टैट कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ जो है, अगर आप क्रैश कोर्स में जो है एनरोल करना चाहते हैं जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, वीडियो सब कुछ मिलेगा, उसके लिए आप जो है हमारी स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़कों और पुलों के लचीलेपन और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किस राज्य के रेजिलिएंट रूरल ब्रिजेस प्रोग्राम के लिए 452 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दी। ऑप्शन है बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो है क्या आएगा राइट आंसर, आप बाइलिंगुअल यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि असम। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जो असम को जो है दो बड़ी सौगात दी है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 1.8 मिलियन से अधिक लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, खासकर असम राज्य में चरम मौसम के दौरान। विश्व बैंक ने जो है दी मंजूरी। तो असम पूर्वोत्तर भारत का जो है वो सबसे बड़ा राज्य है और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशियाई बाजारों का ये प्रवेश द्वार है। चाय और मसालों जैसे अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो है असम में वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा के अगले स्तर तक छलांग लगाने की क्षमता भी है। हालांकि ये अक्सर बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी जलवायु घटनाओं के संपर्क में ये रहता है। वर्तमान में छोटी जोत वाले किसान समुदाय और आदिवासी बस्तियाँ हर मौसम में पुलों और सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ी नहीं हैं और इससे जो है उनके जीवन और आजीविका पर जो है असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। ऑप्शन ए है डॉक्टर वी के पॉल, बी डॉक्टर अरुण कांत, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, डी कृष्ण कांत एंड ऑप्शन ई है मनोहर साठे। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर बी के पॉल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि केंद्र ने आयुष्मान भारत कार्यान्वयन पर गौर करने के लिए समिति बनाई। समिति का जो है एक प्रमुख कार्य योजना में धोखाधड़ी या दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय सुझाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जो है एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। 8 मार्च को जो है मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य जो हैं डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय समिति लाभार्थियों की पहचान, अस्पताल में भर्ती होने और कार्यान्वयन के तरीकों के संदर्भ में ABPMJAY की प्रगति की निगरानी करेगा। समिति का एक प्रमुख कार्य जो है वो योजना में धोखाधड़ी या दुरुपयोग को रोकने के उपाय सुझाना है। इसके अतिरिक्त समिति आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ जुड़ाव प्रदान करने के तरीकों पर भी चर्चा करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च को किस शहर में शुरू हुआ। बेंगलुरु, उदयपुर, नोएडा, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट है, न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में भाग लेने वाले हैं, जो सरकार द्वारा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 एंड 1 जनवरी 1949 को, कब हुई थी। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित जोखिम से संबंधित सभी तथ्यों को चाहे अनुरोध किया गया हो या नहीं, स्वेच्छा से स्टीक और पूरी तरह से प्रकट करना एक सकारात्मक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन इस अवधारणा का वर्णन करता है।
आपका इसमें जो है, आप यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा इसमें आपका राइट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अभिरमा फाइट्स। ठीक है, एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है अत्यंत अच्छा विश्वास। तो एक कानूनी सिद्धांत का नाम है जो बीमा अनुबंधों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये कि बीमा अनुबंधों के सभी पक्षों को बीमा प्रस्ताव में सभी भौतिक तथ्यों की पूरी घोषणा करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त नौकरशाह श्री नवनीत कुमार सहगल को किस शीर्ष राष्ट्रीय संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती, प्रेस परिषद, UGC, NCERT, इनमें से कोई नहीं। किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसार भारती। 4 साल की रिक्ति को तोड़ते हुए भारत सरकार ने जो है एक सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो कौन सा ऐसा पहला देश है? इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है वो अपने राष्ट्रीय चार्टर में स्पष्ट रूप से गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश बन गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में फ्रांसीसी सांसदों ने इसे भारी मत से मंजूरी दी थी। फ्रांस के संविधान में संशोधन पर जो है वो मुहर लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 6 मार्च को किस स्थान पर अपना नया बेस INS जटायु शुरू किया? ऑप्शन है आपके पुदुचेरी, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और आपका काबरती। ठीक है, तो इसका जो है वो आपका क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के जो मिनिकॉय आइलैंड है उस पर अपने नए नौसैनिक बेस INS जटायु को सेना में शामिल कर लिया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय नाभिक विष्णु सरवनन ने 10 मार्च को स्पेन के मेलोर्का में ILCA 7 श्रेणी में यूरोपा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। वह किस राज्य से हैं? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि तमिलनाडु। भारतीय नाभिक विष्णु सरवानन ने स्पेन में यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता। सरवानन ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सरवानन लगातार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय नाभिक बन गए हैं। उन्होंने पिछले साल हांगजो में एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। WHO ने किस वर्ष भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया? 2011, 12, 13, 14 या 15? इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2014 में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 की बात करें तो 16 मार्च 1995 को जो है देश में पहली ओरल पोलियो जो है वो वैक्सीन खुराक देने की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पोलियो का आखिरी मामला जो है वो कब पाया गया था? तो आखिरी मामला जो था वो 2011 में सामने आया था और WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त जो है वो घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोहा, जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क और आपका पेरिस। नेक्स्ट इसका जो है आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जिनेवा। WTO जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में मराकेश समझौते के तहत व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते GATT को प्रतिस्थापित करके की गई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WTO में जो है 164 सदस्य यूरोपीय संघ सहित और 23 जो है वो पर्यवेक्षक सरकारें जैसे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में WTO में 164 सदस्य हैं और भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। और वर्तमान में WTO के प्रमुख यानी कि महानिदेशक जो है वो कौन है? रॉबर्टो अजेवेदो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष 2002 से जब मनोहर जोशी का 23 फरवरी को निधन हो गया। वो कहाँ से संबंधित? आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो मनोहर जोशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर प्रमुख वैश्विक वार्षिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है नागपुर, जयपुर, पणजी, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्र लैंडर ने 22 फरवरी को चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी वाणिज्यिक अंतरिक्षयान बनकर इतिहास रचा? तो इसका पेगासस, पैराकिट, ओडिसिस, मैग्नम, इथियोपिया। तो इसका जो है वो क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका आएगा इसमें सी, ठीक है, ओडिसिस। 22 फरवरी 2024 को नासा, स्पेसएक्स और इंट्यूटिव मशीनों के बीच एक मिशन में 15 फरवरी 2024 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 लिफ्ट ऑफ पर उड़ान भरने के बाद इंट्यूटिव मशीन का ओडिसियस सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली नरम मानव रहित चंद्रमा लैंडिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक की संपत्ति नहीं है? नोट और छोटे सिक्के, आवर्ती जमा, अल्पावधि ऋण, स्टाफ एडवांसेज और आपका ओवरड्राफ्ट। कौन सी बैंक की संपत्ति इसमें नहीं है? इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, आवर्ती जमा जो है वो आपका एसेट नहीं है बैंक की। एक विशेष प्रकार का ये एक जमा खाता है जो एक जमाकर्ता को विशेष रूप से एक निश्चित आय वर्ग में एक निर्दिष्ट अवधि में मासिक रूप से जो एक निश्चित राशि का भुगतान करके बचत करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार के खाते में जमा पर तिमाही आधार पर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। इसके साथ जो अगर घर बैठे आप भी जो है वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने एग्जाम के कोर्स में जो एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू।